गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वाला में। आज तारीख है 27 सितंबर। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे अभी तक इस साल न्यूज में रहे हैं, उनके बारे में और डिटेल हम इस वीडियो में ऐड कर रहे हैं। तो जो कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है 2022 को। इसके साथ ही जो केम्पे गौड़ा एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे है? केम्पे गौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु में इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है, ये है मुंबई में। तो इस एयरपोर्ट ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन इंस्टॉल की है और सोलर पीवी मिल भी इंस्टॉल किया हुआ। तो ये ऐसा करने वाला ये देश का पहला एयरपोर्ट है। निम्नलिखित में से किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो आप जो फोटो में देख रहे हैं, सुएला ब्रेवरमैन, इनको जो है एलिजाबेथ द्वितीय वीमेन ऑफ द ईयर के विजेता के रूप में नामित किया गया है। सितंबर 2022 में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजय कुमार को, जो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जो आईसीएमआर मींस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इनके डायरेक्टर जनरल किसे बनाए गए हैं? राजीव बहल। और जो नीति आयोग के सीईओ कौन बनेंगे? नीति आयोग के सीईओ बनेंगे परमेश्वरम अय्यर। कौन बनेगा? परमेश्वर अय्यर बनेंगे नीति आयोग के सीईओ। किस तेल कंपनी ने भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने में मदद करने के लिए ब्राजील की राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL ने जो ब्राजील की कंपनी है पेट्रोब्रास, उसके साथ एक समझौता किया है जिससे कि कच्चे तेल में जो वैरायटी है उसकी अच्छी कर सके। शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक 23 सितंबर 2022 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष की ओर से बैठक में कौन शामिल हुआ था? तो जो ये मीटिंग हुई थी, हेड ऑफ स्टेट की, तो ये कहां हुई थी? ये हुई थी कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो इसमें भारतीय के पक्ष की ओर से तुषार मेहता शामिल हुए थे। तो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? ये 15 जून 2001 को हुआ था। और इसमें इस साल ईरान और बेलारूस ने इसकी सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। इसके साथ इसमें इस समय कितने मेंबर हैं? इस समय टोटल 8 मेंबर हैं। और वो कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान,
और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर के लिए जो भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है बंडारू विल्सन बाबू, बंडारू विल्सन बाबू, बंडारू विल्सन बाबू। तो इसके साथ ही और भी जो इम्पोर्टेंट राजदूत इस बार नियुक्त किए गए हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें तो जो थाईलैंड के लिए राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है नागेश सिंह, क्या है, नागेश, नागेश सिंह। तो थाईलैंड के लिए कौन है, नागेश सिंह। और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के लिए विक्रम दराई स्वामी, कौन, विक्रम, विक्रम दराई स्वामी, विक्रम दराई स्वामी। यूके के लिए विक्रम दराई स्वामी। और ये जापान के लिए, जापान के लिए कौन बनाया गया है, जापान के लिए सीबी जॉर्ज, सीबी जॉर्ज, जापान के लिए सीबी जॉर्ज हो गए। और कनाडा के लिए कौन है, कनाडा के लिए, कनाडा के लिए संजय कुमार वर्मा, संजय कुमार वर्मा, संजय कुमार वर्मा, संजय कुमार वर्मा हो गए। और बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लिए प्रणय कुमार वर्मा, बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लिए कौन है, प्रणय कुमार वर्मा, प्रणय कुमार वर्मा। किस कंपनी के सीईओ एलन जो 2023 के अंत में अपनी भूमिका से सेवानिवृत्त होंगे? तो जो यूनिलीवर के सीईओ हैं एलन जो, वो अगले साल अपने रिटायर हो जाएंगे। तो यूनिलीवर कहाँ की कंपनी है, ये यूके की कंपनी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 26 सितंबर 2022 को स्वच्छ टाइकैथन का शुभारंभ किया। इसका नॉलेज पार्टनर सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग कौन था? तो जो ये टॉयकथन है इसमें क्या होगा, टॉयकथन में जो भी यूज्ड टॉय होंगे, यूज्ड टॉय को कलेक्ट करेंगे, रीडेवलप करेंगे, उसके बाद रिसोल्ड करेंगे। उसके बाद नॉलेज पार्टनर कौन था, इसका नॉलेज पार्टनर आईआईटी गांधीनगर था, आईआईटी गांधीनगर। निम्नलिखित में से किस आईएनएस ने 24 सितंबर 2022 को समुद्री बलों के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में प्रवेश किया? तो जो आईएनएस सुनैना है, सुनैना, आईएनएस सुनैना ने जो ये वार्षिक प्रशिक्षण हो रहा है इसमें भाग लेने के लिए सेशल्स गया है। तो सारे देश, यानी कि इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। तो इसमें इंडिया, यूएस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों ने भाग लिया। लद्दाख खेल विभाग और आयशर ग्रुप फाउंडेशन ने इस क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खेल को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो लद्दाख खेल विभाग ने आइस हॉकी, आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञापन किया है आयशर ग्रुप के साथ। तो लद्दाख, लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, लद्दाख में हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। हिमाचल मंत्रिमंडल ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो हिमाचल मंत्रिमंडल ने आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, शिक्षक की योजना के लिए मंजूरी दी गई है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने कारगिल में किस पहले मेले का उद्घाटन किया है? तो लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद ने पहले किसान मेला का उद्घाटन किया है, पहले किसान मेला का। तो जो इसमें कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे वो जो उच्च तकनीक है और उन्नत बीज है इनके बारे में किसानों को बताएंगे। तो लद्दाख, लद्दाख का, लद्दाख क्या है, लद्दाख जो है लार्जेस्ट यूटी है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यूटी है, मतलब सबसे बड़ा एरिया क्षेत्रफल का केंद्र शासित प्रदेश है। और सेकंड लीस्ट पॉपुलेशन है, यानी कि एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन इसकी, इसमें पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। और इसके इस समय एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आर के माथुर, आर के माथुर है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर। और कब फॉर्म हुआ था लद्दाख, तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को फॉर्म हुआ था। कंपा पुष्प उत्सव 25 सितंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? तो बतुकंपा पुष्प उत्सव में क्या होता है कि जो फूल होते हैं उसके चारों ओर महिलाएं और जो भी लड़कियां होती है वो डांस करती है। तो ये कहाँ पे हुआ, ये तेलंगाना, ये तेलंगाना में हुआ है। और बतुकंपा का क्या मतलब, बतुकंपा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ लाइफ, जीवन की देवी। 2022 में विश्व नदी दिवस का विषय क्या है? तो
तो विश्व नदी दिवस वर्ल्ड रिवर डे, वर्ल्ड रिवर डे ये फोर्थ संडे, वो ये सितंबर के फोर्थ संडे को सेलिब्रेट किया जाता है, फोर्थ संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इस बार फोर्थ संडे सितंबर का कब था, 25 को था, 25 सितंबर। तो इस बार 25 सितंबर को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो आज हमने डिस्कस किए, तो अभी हम एक, तो कल के लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो आपको यह बताना है कि जो भारतीय नौसेना ने किस युद्ध पोत को सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो जो इंडियन नेवी ने अपने किस वॉरशिप को डीकमीशन कर दिया है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। थैंक यू।